दोस्तों, केमिकल वाले सोप इस्तेमाल करने से ना हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलते, त्वचा में और नुकसान होना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम घर पे खुद से अपनी त्वचा के लिए ऐसा सोप तैयार करेंगे जो हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देगा। बहुत आसानी से बन जाता है। यहाँ पर मैंने ली है 1 चम्मच मसूर दाल, 1 चम्मच चावल, जो हम रेगुलर में खाते हैं वही चावल आप ले सकते हैं, और 1 चम्मच गुलाब की पंखुड़ियाँ। इन्हें मैंने घर पर ही सुखा लिया है। इन्हें पीस करके पाउडर तैयार करना है और छान लेना है। फिर इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 1 चम्मच बेसन और 2 से 3 चुटकी हल्दी। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन टी। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रीन टी इसमें मिलाएंगे ना तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। यहाँ पर ये ग्रीन टी में जितने भी अंदर के जो हर्ब्स हैं वो सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नीम पाउडर। आप इसमें तुलसी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। नीम से हमारी अगर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है ना तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। अब 1 चम्मच इसमें मुल्तानी मिट्टी मैंने ऐड कर दी। अब जो भी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ना, अगर इसमें से कुछ नहीं है आपके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसे स्किप कर दीजिए। अपनी स्किन को आप बेहतर जानते हैं तो जो भी चीज़ें आपकी स्किन को सूट करें ना वही चीज़ें ऐड कीजिएगा। अब मैंने इसमें डाल दी है 1 चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन से हमारी त्वचा में सॉफ्टनेस बनी रहेगी, मॉइस्चर बना रहेगा, स्किन ड्राई नहीं होगी, क्योंकि सोप इस्तेमाल करने से अक्सर त्वचा में रूखापन आ जाता है तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच जोजोबा ऑयल। ये बहुत ही स्किन फ्रेंडली ऑयल है, हमारी स्किन को इसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे 10 से 15 बूंदे वाइटामिन ई ऑयल के। ये सभी चीज़ें, इनके बारे में आप सब ने सुना होगा कि कितने ज़्यादा फायदे देती है हमारी त्वचा को। तो हर चीज़ हम ऐड करके अगर सोप तैयार करेंगे जो कि हम डेली यूज़ करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पर ऑयल थोड़ा सा कम लगा तो मैंने 1 चम्मच जोजोबा ऑयल इसमें और ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसमें कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल हो तो क्या ही कहने, और आप चाहें तो दोनों भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हमें ज़रूरत पड़ेगी सोप बेस की। आप सोच रहे होंगे कि कौन सा सोप बेस लें, तो जो मिल जाए, ग्लिसरीन सोप बेस मिले या ग्लिसरीन कोकोनट सोप बेस हो या शिया बटर सोप बेस हो या गोट मिल्क सोप बेस हो, जो भी आपको मिल जाए आसानी से आप वो ले सकते हैं। अब इसे डबल बॉयलर की हेल्प से हम पिघला लेंगे छोटे छोटे पीसेस करने के बाद। इसमें कुछ 5 से 7 मिनट लग जाते हैं। और अगर आप अभी खर्चा करने के मूड में नहीं है या सोप बेस आपके पास नहीं है अवेलेबल, आप नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, घर पे ही बनाना चाहते हैं इजीली जो अवेलेबल हो उन सामान से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पियर सोप ले सकते हैं या डव सोप ले सकते हैं, जो भी सोप आपको पसंद हो कम केमिकल्स वाले वो आप ले सकते हैं। और जब ये सोप बेस पूरी तरह से पिघल जाए ना तो आप इसमें वो जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो ऐड कर लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कोई भी फ्रेग्रेंस जो आपको पसंद हो वो मिला सकते हैं या कोई एसेंशियल ऑयल इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आप नहीं मिलाना चाहते, कोई खुशबू कोई फ्रेग्रेंस ऐड नहीं करना चाहते तो आप उसे भी स्किप कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप चाहें तो इसमें आप एलोवेरा जेल ऐड कर सकते हैं, उसकी तो अपनी खुशबू होती है, वो भी इसमें आएगी और एलोवेरा आपकी त्वचा को ठंडक भी पहुंचाएगी, तो आप चाहे तो उसे भी इसमें मिला लीजिएगा। अब ये मिक्सचर पूरी तरह से रेडी है मोल्ड में जाने के लिए, तो यहाँ पर मैंने वाले हैं। तो इसे डालने के बाद ना आप 2 से 3 घंटे छोड़ दीजिएगा, इसे सूखने के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। मैंने तो रात को ये सारा तैयारी कर दी थी, रात को मैंने इसे सोप मोल्ड में डाल दिया और फिर मैंने सुबह तक छोड़ दिया, लेकिन 2-3 घंटे काफ़ी होते हैं इसे सूखने के लिए। आप इसे उल्टा करके देख लीजिए, अगर बिल्कुल चिपका चिपका सा नहीं है ना, मतलब ये सूख चुका है, और अगर नीचे आपको थोड़ा सा गीला या कलर डार्क लगे ना तो मतलब इसे सूखने में वक्त चाहिए। अब मोल्ड को इस तरह से दोनों साइड से खींच करके, मतलब चारों तरफ से खींच करके ना, इसकी साइड की पकड़ हल्की सी लूज़ कर लीजिए और फिर इसे निकाल लीजिए। बहुत ही आसानी से मोल्ड से बाहर भी आ जाएगा, डीमोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से ये सोप तैयार हो गया है, कितनी चमक है इसमें, आप देख सकते हैं कितनी शाइन कर रहा है ये सोप। और जो मल्टीपल बेनिफिट्स आपको इससे मिलने वाले हैं वो तो नेक्स्ट लेवल के हैं। आपकी स्किन लाइटन और ब्राइटन होगी, त्वचा में बहुत ज़्यादा चमक आएगी, त्वचा में अगर एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है उससे आपको छुटकारा मिलेगा, टैनिंग की प्रॉब्लम दूर होगी, त्वचा